ऑलवेज हम देखते हैं ना कि सेलिब्रिटीज की स्किन कितनी फ्लॉलेस एंड हेल्दी नजर आती है, एकदम रेजुमेट एंड वाइब्रेंट दिखती है. रीजन क्या है? पहला, वो अच्छी डाइट फॉलो करते हैं एंड सेकेंड, स्किन एक्सपर्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करते हैं और इसके साथ ही वो वही प्रोडक्ट यूज करते हैं जो उनकी स्किन के लिए सुटेबल होता है. वो कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं लेकिन उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग होते हैं जो वो अपनी स्किन केयर में यूज करते हैं. इसी तरीके से आप भी अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हो. जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे आप उनका यूज करो. आप घर में भी जो इंग्रेडिएंट है उनके थ्रू भी अपनी स्किन को फ्लॉलेस, रेजुवेनेट, वाइब्रेंट या हेल्दी बना सकते हो बिना पैसे खर्च किए. इज इट ट्रू? डेफिनेटली. अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं सही तरीके से और वो इंग्रेडिएंट जो कि स्किन के लिए सच में बेनिफिशियल है तो आपको रिजल्ट मिलना बिल्कुल तय है. आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में स्किन टोनर एंड क्लींजर के बारे में, जो कि आपको मार्केट में कई वैरायटी में मिल जाएंगे, कई टाइप के मिल जाएंगे, अलग अलग ब्रांड के मिल जाएंगे जो कि नेचुरल होने का दावा करते हैं. बट व्हाट अबाउट प्रिजर्वेशन एंड जो फ्रेग्रेंस वो यूज करते हैं? नेचुरल इंग्रेडिएंट की जो स्मेल होती है ना वो काफी अलग होती है, लेकिन जब आप मार्केट वाला कोई टोनर या प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसकी जो फ्रेग्रेंस बहुत ही हार्ड होती है, समटाइम्स स्ट्रांग होती है. उसमें साफ पता चलता है कि उन्होंने फ्रेग्रेंस ऐड किया, कलर ऐड करते हैं ताकि वो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाए एंड उसमें कई केमिकल ऐड करते हैं ताकि उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाए. लेकिन जब घर में आप कोई भी डीआईवाई प्रिपेयर करते हो तो बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल होती है, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ होती है. क्लींजर एंड टोनर, टोनिंग करने से आपकी स्किन टाइट होती है, स्किन हमारी फ्लॉलेस नजर आती है, स्किन यंग नजर आती है, एक्ने ब्रेकआउट्स या फ्री रेडिकल से छुटकारा मिलता है. क्लीनिंग करने से हमारी स्किन में जो भी माइनर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं जो आपकी स्किन को इफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पिंपल दें या फिर एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे छुटकारा देते हैं. क्लींजर एंड टोनर दोनों अलग अलग हैं. क्लींजर में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका फेस वॉश है या आप गुलाब जल यूज कर रहे हो या कोई भी टोनर आप यूज कर रहे हो अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए, चाहे वो मेकअप से पहले हो या आप बाहर से कहीं आए, आपको अपने जस्ट स्किन को जो भी डस्ट या पॉल्यूशन आपकी स्किन में है या मेकअप है उससे आपको क्लीन करना है. टोनर से आपकी स्किन फ्रेश होती है. आप जिस स्प्रे करते हो, टोनिंग करते हो, तो इससे जो स्किन के अंदर या पोर्स में जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं वो क्लीन होते हैं. इसके साथ ही आपकी जो सेल्स होती है ना वो टाइट होती है, एक्टिव होती है, पोर्स टाइट होते हैं और स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस नजर आती है और स्किन से फाइन लाइन और रिंकल भी रिड्यूस होते हैं, यानी कि स्किन हमारी यंग दिखने लगती है. तो इस वीडियो में मैं जो डीआईवाई आपके साथ शेयर कर रही हूं इसे आप क्लींजर की तरह भी यूज कर सकते हो और इसे आप टोनर की तरह भी यूज कर सकते हो एंड इसे आप मेकअप फिक्सर की तरह भी यूज कर सकते हो. तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूं कि आप घर पे एक डीआईवाई टोनर या क्लींजर कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. तो फर्स्ट हमें लेना एक फ्रेश एलोवेरा की लीफ और एक लेमन. एलोवेरा को अच्छे से वॉश करके और इसका जो येलो वाला लिक्विड है उसे रिमूव करते हुए बॉटम एरिया को कट करके अलग कर देना है. फिर उसके बाद हमें इसके जो साइड के कांटे हैं उन्हें भी इस तरीके से रिमूव कर देना है और एलोवेरा को बीच में से इस तरीके से कट करते हुए बहुत ही छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर लेना है. आप चाहो तो एलोवेरा जेल को भी सेपरेट अलग निकाल के और उसे भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो. और उसके बाद जो हमने लेमन लिया था उसे हमने कट करके उसका जूस इस तरीके से स्क्वीज करते हुए निकाल लेना है और जो सीड हैं उन्हें अलग कर देना है, यानी कि हमें सिर्फ लेमन जूस का यूज़ करना है. उसके बाद मैंने लिया है एक कंटेनर. आप कोई भी बाउल ले सकते हो, कोई भी जार ले सकते हो जिसमें आपको इस डीआईवाई को प्रिपेयर करना है. उसमें आपको करीब एक ग्लास पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद मैंने कुछ मिंट लीव्स को ड्राई कर लिया था, पुदीने की पत्तियाँ, बहुत सारा पुदीना आया था तो मैंने तोड़ तोड़ के ना ड्राई कर लिया था क्योंकि फ्रेश आप ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हो, तो अगर आप ड्राई कर लेते हो तो आप फिर डिफरेंट टाइप से उसे हेयर के लिए, स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे करीब 1 बाउल ड्राई लीव्स को यूज़ किया है और इसमें ऐड कर दिया. अगर आपके पास फ्रेश है डैट टाइम पे डीआईवाई प्रिपेयर जब कर रहे हैं तो आप फ्रेश भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ग्रीन टी लीव्स ऐड कर दिया है. आप ग्रीन टी बैग अगर आपके पास है तो आप एक बैग इसमें ऐड कर दीजिए. और उसके बाद जो हमने एलोवेरा को कट किया था या अगर आपने एलोवेरा जेल सेपरेट किया है तो उस जेल को आप इसमें ऐड कर दीजिए. देन जो हमने लेमन जूस को निकाला था, नींबू का रस, वो आप इसमें ऐड कर देंगे. और उसके बाद फिर हम लेंगे लास्ट में गुलाब जल. अगर आपको सूट करता है देन आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नहीं सूट करता है तो आप गुलाब जल को स्किप कर सकते हो. आप यहाँ पे रोज़ यानी कि गुलाब की पत्तियों का, पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो. तो जो आपके पास अवेलेबल है या जो आपकी स्किन के लिए सुटेबल है आप वो ऐड कर दीजिए. अगर आप गुलाब जल ऐड कर रहे हैं तो करीब
2 से 3 टेबल स्पून आपको ऐड कर देना है। अगर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐड करें तो आप एक गुलाब की पत्तियाँ भी ले लेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद आपको इस तरीके से स्पून से इसे स्टेयर करना, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हालांकि एकदम से मिक्स नहीं होगा, आपको इसे करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है। तो ढक के आप आराम से इस तरीके से रख दीजिए और बीच बीच में लाइक 1-2 बार आप इसे ओपन करके देन फिर से स्पून से स्टेयर कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और करीब 1 या 1.5 घंटे बाद ये जो भी इनमें इंग्रेडिएंट हैं वो सब इसमें मिक्स हो जाएंगे, यानी कि वाटर में वो अच्छे से मिल जाएंगे। जो भी नेचुरल फ्रेग्रेंस है या जो भी लिक्विड है एलोवेरा का, वो सारा पानी में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से छन्नी से जो पानी है उसे सेपरेट कर लेना है और जितना भी मटेरियल है ना इसे आपको अभी फेंकना नहीं है। आप इसे इस तरीके से स्पून से पहले हल्का सा प्रेस करते हुए, थोड़ा सा फोर्स करते हुए जो भी जूस वगैरह अभी पानी है इनमें उन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। या फिर आप एक काम करिए, कोई भी आप कॉटन क्लोथ यूज़ कर सकते हैं या कोई भी हैंकी अगर आपके घर में है या दुपट्टा है, आप उसमें ये सारा स्टफ़ लेके एंड देन इसको क्लोज करते हुए मुट्ठी बनाते हुए और उसे अच्छे से स्क्वीज कर दीजिए। तो जितना भी एलोवेरा का जूस होगा या जो मिंट ने वाटर एब्जॉर्ब किया है वो सारा इस तरीके से निकल जाएगा, यानी सेपरेट हो जाएगा। और उसके बाद आपका ये DIY जो टोनर है या क्लिंजर है वो बन के रेडी हो जाएगा। आप इस तरीके से किसी भी बॉटल में फिल कर सकते हैं, किसी भी आप स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे एज अ क्लिंजर यूज़ करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने इस तरीके से एक पंप बॉटल में फिल कर लिया है। और दूसरा थोड़ा सा मैंने अलग सेपरेटली इसे एक छोटी सी बॉटल यानी कि स्प्रे बॉटल में फिल कर लिया है ताकि मैं इसे एज अ टोनर यूज़ कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिंजर एंड टोनर दोनों तरीके से यूज़ करने के लिए इसे प्रिपेयर कर लिया है। तो जब भी आप इसे एज अ क्लिंजर यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे कॉटन पैड का यूज़ कर सकते हो या वाइप्स का यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और इस तरीके से आप अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हो। अगर आप मेकअप रिमूव करना चाहते हो देन आप इसे यूज़ कर सकते हो, या अगर आप बाहर से आप घर आए हैं डेट टाइम पे फेस पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, पॉल्यूशन होता है, कभी फेस इरीटेट करने लगता है, तो डेट टाइम पे भी आप थोड़ा सा कॉटन में लेके इससे अपने पूरे फेस को क्लीन कर सकते हो। आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा और जितनी भी डस्ट होगी आपके चेहरे पे या जो भी धूल होगी पॉल्यूशन होगा वो तुरंत यानी कि इंस्टेंटली रिमूव हो जाएगा। आप कॉटन पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है, वो सारा आपके चेहरे से जो भी डस्ट था या जो डेड लेयर थी वो निकल चुकी है। और नेक्स्ट आप इसे एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो। आप मॉर्निंग में जब आप अपने फेस को क्लीन करते हो यानी फेस वॉश जब करते हो डेट टाइम पे आप स्प्रे कर सकते हो तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा, रेडिएंट दिखेगी स्किन, रेजुनुएट होगी, फ्रेश फील होगी, फ्लॉलेस नज़र आएगी। और दूसरा आप इसे रात में सोने से पहले यूज़ कर सकते हो जब आप अपना नाइट का स्किन केयर करते हो। तो थर्ड आप इसे एज अ मेकअप फिक्सर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। समटाइम जब हम बाहर जाते हैं तो मेकअप करने के बाद थोड़ी देर बाद हमारा फेस ऑयली हो जाता है बिकॉज हमारी स्किन ऑयल सेक्रेट करती है, तो डेट टाइम पे भी आप इसे स्प्रे की तरह यूज़ कर सकते हो जिससे आपका मेकअप तो स्टे करेगा ही साथ में आपका फेस भी ऑयल फ्री हो जाएगा। तो जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं वो आपकी स्किन पे बैक्टीरिया से लड़ते हैं, पिंपल एक्ने को क्योर करते हैं और आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी रहती है। स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी अपने आप क्योर हो जाती हैं। तो ये है एक नेचुरल स्किन टोनर जिसे आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ है, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपकी स्किन को हर्ट करे। अगर लेमन नहीं सूट करता आप लेमन स्किप कर सकते हो, बट यहाँ पे आप सिर्फ लेमन का यूज नहीं कर रहे हो, आपने लेमन की क्वांटिटी कम रखी तो इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं देने वाला है। जो भी विटामिन सी है वो आपकी स्किन के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई भी इसमें हीट का प्रोसेस नहीं है, जितने भी न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर आपकी स्किन को मिलने वाले हैं और स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप इसे आराम से 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं और समर में ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है स्किन के लिए। जो भी अदर प्रॉब्लम है लाइक अगर आपको पिंपल एक्ने होते हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, डेड स्किन की दिक्कत हो जाती है, उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप इसे अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं और जब चाहे यूज़ कर सकते हैं, एंड मॉर्निंग में तो आपको इसे ज़रूर यूज़ करना है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी वीडियो और भी मेरे चैनल पे आती रहे। अपना टॉपिक जरूर शेयर करें, मैं जितने भी टॉपिक अब तक मेरे पास आए हैं मैं उन पर काम कर रही हूँ धीरे धीरे करके, एंड जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स टू वॉच फ्लिडो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।